राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए उनको मजबूती एवं संबल प्रदान करने के लिए प्रदेशी भारत जोड़ो यात्रा पहुंची झांसी में प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यात्रा का शुभारंभ बड़ा गाँव इंटर कॉलेज से किया गया। मेडिकल कॉलेज बाईपास तिराहे पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की प्रतिमा एवं महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे जनसैलाब भी बढ़ता गया। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जगह जगह फूलमालाओं से स्वागत किया गया। यात्रा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सुधा नर्सिंग होम से शिवाजी नगर ज्ञान स्थली इंटर कॉलेज गल्ला मंडी तिराहे से लक्ष्मी गेट बाहर बड़ा बाजार नरिया बाजार राय का ताजिया बाहर दतिया गेट पठोरिया होते हुए सिद्धेश्वर मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, कार्यवाहक शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, राहुल रिछारिया, राहुल राय, मुकेश अग्रवाल, चंद्रशेखर तिवारी, इदरीस खान, शफीक मकरानी, अखलाक मकरानी, आफाक मकरानी, नफीस मकरानी, हाफिज सहनबाज, मीजान मकरानी, इसहाक चाचा, गोलू अफसर, सलमान आमिर एवं और भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। झांसी जनपद से मोहम्मद जावेद मकरानी की रिपोर्ट। भारत जो यात्रा से आज पूरे देश के अंदर एक अच्छा माहौल है और जितनी भी पार्टियां हैं सबकी नजर कांग्रेस के ऊपर है और कांग्रेस बहुत नया करने जा रही है। राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे देश के अंदर चल रही है, इससे आप लगा लीजिए कि आज लोग कांग्रेस की ओर बहुत स्पीड पड़ रहे हैं। आने वाले कल में कांग्रेस का भविष्य लोकसभा में, चाहे वो नड्डा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर, सब में जो है भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेश जा रहा है। इसको देखते हुए बहुत अच्छा संदेश जब जाएगा पूरी यूपी के अंदर, तो हमें ऐसा लगता है कि महापौर और पार्षद ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के आने वाले। क्या लगता है कि आपको सरकारों से फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल निश्चित रूप से आज कांग्रेस जो आपने देखा होगा, पूरे माहौल जो आप देख रहे हो गया कांग्रेस की ओर है, और जब कांग्रेस के ऊपर माहौल है कांग्रेस की ओर, तो निश्चित रूप से जो भी विपक्ष जो सत्ता वाले हैं तड़प रहे हैं कि ये क्या कर रही कांग्रेस। कांग्रेस अपने पद पर खड़ी हो रही है, कांग्रेस ईमानदारी से चल रही है, कांग्रेस हमेशा सच। अच्छा, ठीक है, कहना है आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस के नेताओं ने भारत जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। उनका एक संदेश है कि नफरत की दीवारें तोड़ो और भारत जोड़ो। ये उनका प्रयास है कि जो अपोजिट पार्टी है देश का संविधान तोड़ना चाह रही है, देश को पीछे करना चाह रही है, इसी तरह वो देश को ना तोड़ पाए और देश को जोड़ने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है और हमारे लोकल के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो भी कर रहे हैं। इसका एक अच्छा संदेश है। आने वाले समय में कांग्रेस की इंशाल्लाह सरकार बनेगी और कांग्रेस का माहौल बनेगा। लोगों का क्या रुझान लग रहा है? लोगों का रुझान यही है कि ये तीनों पार्षद जो है कांग्रेस के ही बनाएंगे और जितना काम अच्छा करें। इस यात्रा को लेकर लोगों का क्या रुझान है? यात्रा का यही रुझान है कि जो राहुल जी की जो मेहनत चल रही है वो सफल होगी और